marine ecosystems the estuaries first the contents the definition of estuaries productivity of estuaries plants and animal life present in estuaries and impact of human on the estuarine water so the estuaries estuaries are actually the places where marine and fresh water they meet with each other so वी कैन से द एचरीज आर एक्चुअली द प्लेसेज वियर मेरीन वाटर इज डायलोटेड आर द सालसन्ट्रेशन इज डायलूटेड यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो रिवर्स हैं जब वो फ्लो करते हुए अल्टीमेटली वो किसी ओशन का हिसाब बनेंगे किसी सी का हिसाब बनेंगे तो जिस पोजिशन के ऊपर रिवर या कोई और वाटर फ्रेश वाटर बॉडी जाकर ओशन के साथ जाकर मीट करेगी जब उसके साथ वाटर उसका जो यहाँ मिल रहा होगा उस पोजिशन के ऊपर द स्पेसिफ़िक लोकेशन इज़ कॉल्ड द एस्चरीज तो एस्चरीज़ को अगर हम देखें तो एस्चरीज के अंदर फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों वाटर मिक्सअप हो रहे हैं मीन यहाँ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों प्रॉपर्टीज़ जो वो मिल रही होती हैं इस वजह से जो आता है वो जो एनिमल्स यानी एचराइन वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट या मेरीन वाटर की जो एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन हैं वो भी मौजूद नहीं होती हैं इस तरह से जो फ्रेश वाटर्स के अंदर जो साल्ट की कमी होती है वो भी पूरी हो रही होती है तो इट इज़ एक्चुअली द आइडियल इन्वायरमेंट फॉर द एक्टिक ऑर्गेनिजम्स तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ एस्टराइन वाटर्स अगर हम एस्टराइन वाटर्स की बात करते हैं तो दे हैव वेरी हाई प्रोडक्टिविटी तो यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी आर ग्रोइंग देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी मौजूद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिक प्लांट्स आर ग्रोइंग देयर तो अब इसमें से अगर हम देखें जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं जिसमें एल जी और जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वाई दे आर ग्रोइंग देयर तो उसके दो रीजनस हैं नंबर वन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ओशन दे आर आल्सो कमिंग अलॉग विद द वाटर वेव्स आर द टाइड्स सिमिलरली द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रेश वाटर दे आर आल्सो कमिंग अलॉन्ग द फ्रेश वाटर तो दोनों तरफ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ अवेलेबल होंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी आर द एक्टिक प्लांट्स तो इसी वजह से अगर हम यहाँ देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अगर हम बात करते हैं सो एट दिस पोजिशन ग्रेट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर जो प्लांट्स होते हैं मेनली दे आर सबर्ज आर इमर्जिंग प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाट्स जो यहाँ ग्रो कर रहे होंगे तो एंड दे आर मेकिंग द वेजिटेशन सो द सेकेंड वन द अबाउट द एनिमल्स एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर देयर डिफरेंट ऑफ एनिवर्टिव में अगर हम बात करेंगे तो दे आर आल्सो कॉल्ड द नर्सरीज ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स तो नर्सरी से वो है जहाँ बहुत सारी आप कह सकते हैं कि एक हीज नंबर ऑफ आर्गनिज्म जो है उनको ग्रो कर रहे होते हैं इसी वजह से बिकॉज जो एस्टोराइन वाटर है दैट इज हैविंग हाईस्ट डाइवर्सिटी इन एक्टिक इकोसस्टम एकुअटिकको सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो हमें एस्टोराइन वाटर के अंदर मिलती है तो इट मीनस के लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेड्स आर देअर लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेड्स आर देर इनवर्टिब्रेड्स में अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिड्स में मोलसक्स आ जाएंगे एनिलीड्स आ जाएंगे और इसके अलावा आर्थरो आर्थर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्टेशन क्रैप्स हैं श्रिम्पस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशज आर देयर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो होते हैं वो मौजूद हैं सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर ऑलसो देअर तो जो बर्ड्स होते हैं जिनको फिश को फीड कर रहे होते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द एस्ट्रॉइन वाटर वाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एस्चराइन वाटर अच्छा एस्ट्रीज़ का अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये वैसे ही है जैसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो ऑप्टीम है तो अब एकटिक इक्विस्टम के अंदर जो एस्चरीज हैं दे आर हैविंग मैक्मम नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इसके अंदर जो स्पेशली एनिमल स्पीशीज का नंबर है बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमन जो है दे हैव एक्सप्लाटेड दीज एक्चरीज तो इन एस्चरीज़ को ह्यूमन ने अपने लिए क्या किया है इसको एक्सप्लॉयड किया है अब एस्चरीज़ को डिफरेंट पोजिशन के ऊपर क्या किया गया कि इसको ड्रेन किया, किया, किया गया है फिल किया गया है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि वहाँ से फिशरीज जो है उसको हार्बर किया जा सके उसकी जाए तो अब जो नेचुरल सिस्टम है जब उसको ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयड करेगा तो अल्टीमेटली दे आर बींग डेमेज बाय द ह्यूमन तो इसके अलावा ह्यूमन अपने रिकोरेशनल परपजेज के लिए अदर परस्पर के लिए इसको एचरीज को डिज़ाइन किया जा रहा है जिसकी वजह से द एचरीज आर इधर डैमेज बैडली तो जिसकी वजह से ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज आल्सो डिक्रीजिंग देयर दूसरे कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं द पोल्यूशन काज बाई ऑयल स्पिलेज ऑयल स्पिलेज ड्रेनेज की वजह से जो पोल्यूशन है वो वहाँ मौजूद है स्पेशली जब ऑयल ड्रीनिंग हो रही है एक्सपलोरेशन ऑफ आयल नियर एक्सचरीज जब होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ऑन द एस्ट्राइन फ्लोरा एंड फाना सिमिलर द एसिड रेन अब एसिड रेन होगी तो जो फ्लोइंग वाटर है वो एस्डिक वाटर जब लाएगा तो अल्टीमेटली दैट विल इम्पेक्ट द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन द एस्ट्राइन वाटर तो इस तरह से एसिड रेन अब जमीन के किसी भी हिस्से पर हो रही है एस्डिक वाटर जब फ्लो करता हुआ अल्टीमेटली एस्टोरीज में पहुंचेगा इट विल किल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाट्स एंड एनिमल प्रजेंट द